राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान से अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन 15 मार्च से 17 मार्च तक किया गया है, जिसके विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से पत्र परिषद आयोजित की गई थी, जहां भोपाल सह सर संघ चालक मनमोहन वैद्य ने जानकारी दी। इस समय जानकारी देते हुए भोपाल सह सर संघ चालक मनमोहन वैद्य ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हर 3 साल के बाद अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया जाता है। दरअसल हर 3 साल में संघ प्रतिनिधि शाखा से चुने जाते हैं, जहां 18 साल के ऊपर के युवाओं को शाखा में ईमानदारी एवं संघ के प्रति निष्ठा की शपथ दी जाती है। वैसे ही 40 कार्यशील संघ स्वयंसेवकों में से एक शाखा प्रतिनिधि चुना जाता है और 40 शाखा प्रतिनिधि में से एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि चुना जाता है। वहीं पूरे देश भर की शाखाओं में से 203 अखिल भारतीय प्रतिनिधि इस सभा में मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी वैद्य ने इस समय दी, जहां उन्होंने लगभग 1500 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की बात कही है। आलोक कुमार जी, आप ये प्रचारक हैं, भूमिका ले रखते हैं और अखिल भारतीय सह प्रचार आपका केंद्र रांची। मैं माननीय मनमोहन वैद्य जी से निवेदन करता हूँ कि प्रतिनिधि सभा के बारे में हम सबके सामने जानकारी रखें। नमस्कार। करीब 1500 कार्यकर्ता यहाँ पर अपेक्षित है, यह जानकारी आपको मिली है और हर 3 साल के बाद संघ के प्रतिनिधि शाखा में से चुने जाते हैं। संघ में प्रतिज्ञा का कार्यक्रम होता है, 18 साल की आयु के 18 से ऊपर ऐसे संघ स्वयंसेवक जो जीवन भर संघ कार्य में करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। ऐसे प्रतिज्ञित और कार्यशील ऐसे स्वयंसेवकों में से ऐसे 50 स्वयंसेवकों में से एक शाखा प्रतिनिधि चुनते हैं, ऐसे 40 शाखा प्रतिनिधि में से फिर एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि हर 3 साल के लिए चुने जाते हैं। ये संघ का चुनाव का वर्ष है। ऐसे 203 प्रतिनिधि जो नाम है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, तो 203 अखिल भारतीय प्रतिनिधि जो सारे भारत के शाखाओं से चुने गए हैं, इसे यहाँ पर रहेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।